बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी वीडियो ये SEORTD मॉडल जो है उसके कंट्रोल के ऊपर है। अभी इसका जो कंट्रोल है वो ऑन तो करवा रहा है लेकिन अजीब किस्म की नॉइज़ दे रहा है। अब वो देखेंगे कि ये क्या इसके अंदर इशू है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। यहाँ पे दो LEDs हैं, एक पावर की है और एक स्टेटस की है। ठीक है, अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और देखते हैं इसका बिहेवियर जो है वो आपको मैं ये उसके बाद स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा और ये इस तरह की सूरत हाल है इसके अंदर। ये प्योरली इस कंट्रोल का फॉल्ट है। इसको कैसे रिपेयर करना है इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अब मैं इसका कंट्रोल निकाल रहा हूँ। फ़ैन उतार दिया मैंने, ये कंट्रोल है ये। इसको देखते हैं कि इसका ये क्या मसला आ रहा है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। अच्छा, ये डी मॉडल का कंट्रोल कार्ड है। ठीक है, और इसके अंदर मसला ये है कि ये दो LEDs हैं, दोनों LED ऑन नहीं हो रही। सबसे पहले इसके ये करेंगे कि जो वोल्टेज हैं वो चेक करेंगे, कुछ शॉर्ट तो नहीं है। 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स। ये दे रहा है, ये -15 वोल्ट से -12 वोल्ट दे रहा है, ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट दे रहा है, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, ये भी, और ये जो है ये 5 वोल्ट से 2.8 वोल्ट रेगुलेट करके इस IC को दे रहा है। और ये वाली जो रेगुलेटर है ये जो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाता है ये भी इस पर आ रहा है। ये 5 वोल्ट इसको फीड हो रहा है डायरेक्टली और इसके अलावा इसके 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ये उससे 2.8 वोल्ट बना के ये भी इसको जा रहे हैं और 5 वोल्ट भी यहाँ से आ रहे हैं। ये 3.3 वोल्ट और 1.9 वोल्ट ये बना के कंट्रोल के लिए ये दे रहे हैं। इसके जो 5 वोल्ट हैं के बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ICs हैं उनके ऊपर जा रहे हैं। अब देखते हैं इसके अंदर जो कोई वोल्टेज शार्ट तो नहीं है इसके, ये IC ठीक है। ये IC भी ठीक है, ठीक है। और इसको देखते हैं, ये 12 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। अब देखें कि ये 5 वोल्ट बना के जो सारी IC जहाँ पे चाहिए, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे दे रहा होता है 12 वोल्ट से। अच्छा, जैसे आपको बताया कि इसके अंदर 5 रेगुलेटर्स हैं, -12 वोल्ट का, 2.8 वोल्ट का, +5 वोल्ट, +5 वोल्ट और ये 3.3 वोल्ट और 1.9 वोल्ट का। ये वाली सप्लाई जो है ये इस मेन जो कंट्रोलर है उसको जा रही है। अब कंट्रोलर जो है ना, मैं सारे को नहीं कह रहा, मैं इस ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर IC है। ठीक है, बात ये हो रही है इसके, पहले हमने चेक कर लिया था, यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके ये जो 5 वोल्ट जा रहे हैं ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है और ये अभी हमने ये देखना है कि ये 5 वोल्ट कहाँ पे जा रहा है। तो ये मैंने बनाया हुआ है, ये अगर आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव 5 वोल्ट। अच्छा, इसके अंदर दो किस्म की IC हैं, एक CMOS IC है और एक TTL IC है। इतनी TTL IC है ना, उनकी जो सप्लाई वोल्टेज होते हैं वो पॉजिटिव 5 वोल्ट होते हैं और CMOS की 12 वोल्ट या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। 74 सीरीज की जो VCC है सप्लाई वोल्ट वो है पॉजिटिव 5 वोल्ट। 74 सीरीज़ है, 74 ये भी 74 है। ठीक है,
और जो इसके LM वाली ICs हैं उनकी 12 भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक उससे दूसरे कार्ड से देख के ना कि पॉजिटिव 5 वोल्ट इन ICs के ऊपर जा रहे होते हैं, IC5 की 4 नंबर पे, IC13 की 5 पे, 19 की 20 पे, 24 की 1 और 2 पे, IC28 की 8 पे, IC29 की 6 और 8 पे, IC32 की 14 नंबर पे, और IC36 की 5 नंबर पे, 37 की 14 नंबर पे। अच्छा, अब इसमें से कोई अब इन आईसीज में से कोई ऐसी शॉर्ट है, ये डायग्नोज करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी शॉर्ट है। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि ये वाली पिने उठा दें हम, ये वाली सारी पिने सिंगल सिंगल पिन आईसी की गर्म करके उठा लें, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आईसी रिमूव कर लें, ये वाली आईसी सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ICs हैं, इनको उठा दिया जाए। लेकिन इससे पहले मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ कि इन आईसी में से जिसकी VCC शॉर्ट है, यकीनन उसका बाकी जो पिने भी इंटरनल आईसी की, वो यकीनन शॉर्ट होंगे। पहले उनको देखते हैं हम। ये मैंने ग्राउंड पे लगा लिया है IC5, ये तो ज़्यादा शॉर्ट है, इरेगुलर शॉर्ट है। ये IC13 की 5, IC13 ये आईसी है, ठीक है, इसकी 5 पे जा रही है। और बाकी ऐसी चेक करते हैं, बाकी इसमें नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है इसके अंदर। ये तो वो आ रहे हैं 5 और 6, 2 पिने इसकी शॉर्ट हैं। और 5 और 6, और इस साइड पे अब ज़ाहिर ग्राउंड जो है, जो ग्राउंड और ये 5 नंबर, ये दोनों शॉर्ट हैं, लिहाजा ये दे रही है। इसको छोड़ दें, आगे 19 नंबर पिन पे आ जाएं, ये 19 नंबर पिन है, 1 नंबर दे रही है, ये नॉर्मल लग रही है, नॉर्मल लग रही है। 24, ये वाली 24 आईसी है, ये भी नॉर्मल लग रही है, ठीक है। 28 नंबर आईसी, IC28, ये इसको देखते हैं, ये ग्राउंड है, ये VCC नॉर्मल है, ये भी ठीक है, इसमें ये भी नहीं हो सकती। 29 नंबर आईसी, EEPROM, ये भी तकरीबन सही लग रही है, इसको भी छोड़ दें। 32 नंबर आईसी, ये 32 नंबर आईसी है, इसका ये पूरा, ये कुछ ज़्यादा ही शो कर रही है, इतनी पिने नहीं होती हैं इसके। ये तकरीबन सारी शार्ट है, देखें 1 नंबर पिन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 10, 11, 12, 13, 14। IC32 है 74 है 00 00, ये नैन गेट्स हैं, IC7400। ये आप इसकी डाटा शीट निकालने में, ये इसका डाटा आ गया, इसकी 1 2 3 4 5, ये सारी शॉर्ट हैं। इधर से VCC 14 नंबर, 13 12 11 10 9, सारी की सारी शॉर्ट है। इसी को चेंज करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या सूरत हाल है।
इंडिया एसी मैंने उतार दी है। 7 नंबर इसकी ग्राउंड होती है, ये शॉर्ट है इसकी, इसकी जो वीसीसी है वो शॉर्ट है। अब अगर हम अगर इसको हम देखें, इसका शॉर्ट रिमूव हो गया, इस रेगुलेटर का जो 5 वोल्ट थे वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, और वो शॉर्ट हो रहे थे, ई आई सी शॉर्ट कर रही थी, ये वाली आई सी, ई आई सी लगा रहा हूँ अभी इसके ऊपर। अभी लगाते हैं इसके अंदर, देखते हैं कि रिस्पांस क्या मिलता है हमें। ये मैंने कंट्रोल लगा दिया इसके अंदर, अब मैं इसका इसकी मैंने बैटरी भी लगा दी है और बैटरी पे मैं ऑन करने लगा हूँ। अभी मैंने इसको इनपुट नहीं दी, बैटरी पे देखते हैं। अब सबसे पहले सप्लाई ऑन करते हैं, सप्लाई ऑन हो गया इसकी, इसका फ़ैन चल गया तो इट्स मीन कि इसकी सप्लाई ऑन हो गई है, लो वोल्टेज पावर सप्लाई जो है इसकी वो ऑन हो गई है। अभी डिस्प्ले आ रहा है इसके अंदर, अब मैं इसकी इसको पावर ऑन दे रहा हूँ इसको। ये इन्वर्टर ये ऑन हो गया है, बैटरी के ऊपर ऑन हो गया है। अब मैं इसको दे रहा हूँ इनपुट, अब मैंने इनपुट दे दी है, इसलिए का मसला है। मैंने बैटरियों पे इसको ऑन कर दिया है, मीटर आपको नज़र आ रहा है। अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं कितनी आ रही है, 232 वोल्ट आ रही है इसकी आउटपुट है, बैटरियों पे ऑन है, ठीक है। ये मैंने इनपुट दे दिया है, ये शिफ्ट हो गया है तो ये बैटरी पे चला गया। अभी यूपीएस ओके है, जो कंट्रोल रिपेयर किया था वो ओके है।